Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अपन डेली सुबह 8 बजे करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि अपने दैनिक हिंदू के अलावा जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं अपन सभी को कवर अप करते हैं. और कल अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, तो कल का और आज का दोनों दिन का जो इंपॉर्टेंट सेशन है आज अपन कवर करने वाले हैं. और काफी कुछ है जो कि आने वाले आधे घंटे के अंदर आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो कि आपके खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको परसों दिए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2018. तो वैनेसा फ्रॉम मैक्सिको इसका बिल्कुल सही आंसर था. अगला सवाल था आपका, हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू फाइट प्रोफेशनल इन यूएस. तो यूएस में कौन थे, मैनुअल थे. तो आपका डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर था. अगला सवाल देख लेते हैं. अगला सवाल था आपका, हु रिलीज द रिपब्लिकन एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर बुक्स. तो ये वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज करी गई. और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो कि था द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कंडक्टेड द रीजनल नेवल मरीन ऑयल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज टाइटल क्लीन सी एट द सी ऑफ. तो कहां पे, पोर्ट बेयर के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. नेक्स्ट था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल अप्रूव्स India's proposal to observe an international year of millet in 2023. तो डी आपका यहां पे सही आंसर होगा. IIFF ए फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, कैथरीन है. तो आपका ए सही आंसर है. न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे बनाया गया है, सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है. विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मिशन टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून. फार साइड ऑफ द मून में कौन, चाइना ने इस मिशन को स्टार्ट किया है. Who was appointed as a US ambassador to the United Nations? United Nations की कौन बनाया गया है अभी? हीटर को बनाया गया है, ठीक है ना? US ambassador to the United Nations. Next देखते हैं, Who became the fastest cricketer to take 200 test wickets, breaking an 82 year old record? 200 सबसे fastest test wicket कौन है? यासिर शाह है, पाकिस्तानी बॉलर है. इन्होंने सबसे जल्दी 200 test wicket जो है वो पूरे करे हैं. अब चलते हैं, देखते हैं आज का कोर ऑफ द डे क्या है. इट इज नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट. एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट एवरी सिंगल डे, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, दैट्स हाउ चेंजेस अकर. तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, इट इज नॉट अबाउट परफेक्ट. परफेक्ट होने से मतलब नहीं है, इट्स अबाउट योर एफर्ट. आप एफर्ट कितना डालते हैं, और यही एफर्ट होता है जो कि आपके हर दिन के अंदर बदलाव लाता है, और धीरे धीरे करते हैं आपकी पूरी लाइफ के अंदर बदलाव लाता है. सिंपल सी बात है यार, कि अगर अपन डेली एफर्ट लगाएंगे तो ये डेली एफर्ट ही अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अपन कहते हैं पूरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका बेसिस क्या होता है, जब आप सिंगल डे एफर्ट लगाते हो, सिंगल डे कोशिश करते हो, सिंगल डे ये सोचते हो कि मेरे टारगेट ये है, मुझे इसको अचीव करना है. जैसे करते करते आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है. ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन किसी का नहीं आता है, और इसीलिए बोलते हैं कि प्रिपरेशन कोई एक महीने का, दो महीने का गेम नहीं होता है. ये अपने प्रिपरेशन जो है वो लॉन्ग टाइम, 6 महीने, 1 साल, इनफैक्ट 2 साल तक भी टाइम लगता है. तो इसको डेली जो है अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी होती है और प्रिपरेशन करनी होती है. तो उम्मीद करता हूं कि आप परफेक्ट तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, वो तो अपन बात ही नहीं कर रहे, लेकिन अपना जो एफर्ट है उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए. वो हर सिंगल डे अपना होना ही चाहिए. डजंट मैटर कंडीशंस कैसी चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो जीवन में, लेकिन अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए. तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे ताकि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सके. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेज की तरफ चलते हैं. कल का न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज था वो काफी धमाकेदार था, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर जो उर्जित पटेल थे उन्होंने रिजाइन दिया था. दूसरा, विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी हो गई है. वहां का जो लंदन कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया है एक्सट्रैडिक्शन के, भारत भेजने के. बस अभी 14 दिन और मिले हैं अपील करने के लिए, ठीक है ना. उसके बाद में
ये भारत में वापस लौटाएंगे। उसके बाद में बात करें, बहुत टाइम से भारतीय इनको बड़े याद कर रहे हैं ना, तो वापस लौटाएंगे। इसके अलावा भारत ने यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट मैच जीत लिया और कई सालों, मतलब कई डिकेड्स के बाद में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता है। तो यहाँ पे काफी सारी न्यूज थी इसके बारे में। अपन ने कल, मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। अर्जित पटेल के बारे में जो पूरा मुद्दा है ना, ये मैंने डिस्कस किया था कल 10 बजे, तो ये वीडियो मैंने बना के डाल रखा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से और समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में मुद्दा क्या हुआ। हालांकि मैं आपको बता देता हूं आजकल के पूरे एक्चुअली में मुद्दा हुआ क्या था। देखिए, अर्जित पटेल ने बोला है, ट्वीट किया था पर्सनल रीजन बता के, लेकिन आपको मालूम है पिछले 2 साल से बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, जिससे वजह से मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, याद है ना आपको, मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको 2 कॉलम बना के बताया था कि देखिए गवर्नमेंट तो ये चीजें चाहती है और आरबीआई गवर्नर या आरबीआई जो है वो ये चीजें चाहता है। दोनों के बीच में 8 घंटे की मीटिंग भी हुई थी लॉन्ग, काफी सारे बीच में इनके विरोध भी हुआ था चीजों को लेकर, जैसे कि एनपीए हो गया, उसके अलावा डीमोनेटाइजेशन वाला भी मुद्दा पहले था, अभी तो नहीं था। इसके अलावा फिस्कल डेफिशिएंट के टारगेट पूरे करने को लेकर, इसके अलावा एमएसएमई को लेकर, इसके अलावा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो बैंकों के ऊपर लगाए जाते हैं उनको लेकर, तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे। और फाइनली अर्जित पटेल ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, एकदम से इंटरिम चेयर जो चार्ज दिया गया था वो विश्वनाथन जी को दिया गया था, और कल जो है वो नए गवर्नर भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा 5th चीफ थे जिन्होंने रिजाइन किया है। इनसे पहले 1949 के अंदर रामा राव थे, उन्होंने सबसे पहले रिजाइन किया था, रामा राव। ओके, उसके बाद की बात करें तो एक मल्होत्रा जी थे, उन्होंने रिजाइन किया। ठीक है, और मल्होत्रा जी से भी पहले यहां पे पुरी जी थे, पुरी, आर के पुरी, उन्होंने 1975 से 77 के बीच में सर्व किया। फिर मल्होत्रा जी ने 1985 से लेकर 88 तक सर्व किया, फिर उन्होंने भी उसके बाद में रिजाइन किया। ठीक है, वहां पे हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में और आरबीआई के बीच में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो काफी टाइम से चली जा रही है। उसके बाद में विमल जालान थे, 1997 के अंदर विमल जालान जो थे उन्होंने भी 2003 तक काम किया, उसके बाद उन्होंने भी रिजाइन किया। ओके, तो ऐसे करते करते 5 लोग थे कुल मिला के जिन्होंने, और ये 5वें हैं, और ये अभी कौन से 5वें हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं और पहले कौन थे, है ना। सबसे पहले कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे 1937 के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे भी 37 में भी फाइनेंस मिनिस्टर के जो थे ना, उनसे डिफरेंसेस होने के बजाय उन्होंने भी स्मिथ वो कर दिया था, ओसबोर्न स्मिथ ने भी रिजाइन दे दिया था। फर्स्ट गवर्नर मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले वही हुआ करते थे, इंडिपेंडेंस के बाद ये 5वें हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं माल्या की। तो विजय माल्या, आपको मालूम है कि 7,000 करोड़ रुपए है, जो भी विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला के तो और 8,000 करोड़ चल जाएगा। तो ये पैसे जो है 17 बैंकों के खा रखे हैं, भारत से पार है, और काफी टाइम हो चुका है इस चीज को इनको भारत लाने की तैयारी करने को लेकर। एसबीआई का सबसे बड़ा चूना लगा 1600 करोड़ रुपए का, उसके बाद में पीएनबी आईडीबीआई आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2003 के अंदर भी जो कंसोर्टियम था, बैंक ने अप्रोच किया था माल्या को, मतलब 2003 के अंदर भी है ना, एक्चुअली के अंदर आप देख सकते हैं कि 2013 के टाइम पे भी इनके ऊपर 9493 करोड़ का क्या था, बकाया था, समझ रहे हो। 2013 तक भी बैंक ने अप्रोच किया था कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो किंगफिशर एयरलाइंस को दे रखे हैं, ठीक है, उसको वापस करें। फिर 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इन्फॉर्म किया है कि ये जो एयरलाइंस का जो डेबिट है वो 9,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि ठीक है किंगफिशर एयरलाइंस का, और उसके बाद में नियर बाय 500 करोड़ की और दिए गए, तो कुल मिला के 7,000 करोड़ रुपए के आसपास है उनके हो गए। तो इतना पुराना लोन है, आप देख सकते हैं कितने साल हो चुके हैं अभी तक रिपेमेंट नहीं दिया है। जैसे ही मिशेल, आपको मालूम है ना अगस्ता वेस्टलैंड वाला जो केस है, जो वीवीआईपी चॉपर्स है, तो अगस्ता वेस्टलैंड का जो बीच का जो मिडलमैन था मिशेल, उसको जैसे ही भारत लाया गया यूएई से, तो ये बात समझ में आ गई माल्या को भी कि मेरे दिन भी ज्यादा बचे नहीं है। तो मिशेल के अरेस्ट होते ही, अभी सीबीआई के कस्टडी में है मिशेल, तो विजय माल्या ने बोल दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी बेच के रीपेमेंट कर सकते हैं। उसी दिन इनका स्टेटमेंट आ गया और अगले दिन लंदन हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हो गई। तो कुल मिला के ये भारत आने की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, अब ज्यादा दिन इनके ऐश और अयाशी के अंदर नहीं बचे हैं। आप देख सकते हैं 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस ने स्टार्ट किया काम, उसके बाद में 2013 में 6,500 करोड़ रुपए का डेबिट इनके ऊपर हो चुका था, 2016 के अंदर भाई साहब रवाना हो गए यहां से, इंडिया से। ठीक है, 2017 के अंदर भारत ने यूके से रिक्वेस्ट करी माल्या को वापस लाने को, फिर उस टाइम पे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है उसने अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद में बॉन्ड के ऊपर एक बेल मिल गई उसको माल्या को।
ठीक है, उसके बाद में वापस से अरेस्ट किया गया जब ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया। ठीक है, उसके बाद में ट्रायल चालू हो गई और फाइनली क्या हो गया, इसके ऊपर जजमेंट आ गया और 14 दिन का लास्ट टाइम जो है वो मिला है फाइनल हियरिंग को लेकर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कल के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 5 पे। कल के पेज नंबर 5 की बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो कायगा न्यूक्लियर प्लांट था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर है, वर्ल्ड में इसने रिकॉर्ड बनाया है। एक तो पहले तो लिंगायत वाला इशू भी है, यहाँ पे दो इशू है, एक तो कायगा वाला और एक लिंगायत वाला, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि कर्नाटक के अंदर जब गवर्नमेंट आई थी तो कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो था ना वो लिंगायत इशू था, कि इनको सेपरेट एक रिलीजन बनाने को लेकर बातचीत करी गई थी। माइनर कम्युनिटी रिलीजन को बनाकर इनको वादे किया गया था, उसकी वजह से वोट जो काफी मिले थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने तो बोल दिया था, अब चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया रिजेक्ट कि हम इसको माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 1871 सेंसेस ये हिंदू सेक्ट के अंदर ही आते हैं और ये हिंदू से अलग नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो कि कर्नाटक को यहां पे मिला है, क्योंकि कर्नाटक की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था अपना माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस देने को लेकर, लिंगायत कम्युनिटी को लेकर, विरा सेवा और कम्युनिटी इसको कहते हैं अपन। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, यूनियन गवर्नमेंट ने सबमिट करी अपने कॉपी सबमिट करी और बताया है कि भाई हम इसको नहीं कर सकते बिकॉज ये हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही इंक्लूडेड है। ओके, एक तो ये मुद्दा हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अपन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक अनइंटरप्टेड, ठीक है, अनइंटरप्टेड जो है ये चला है, अनइंटरप्टेड ऑपरेशन इसने 941 डेज तक करे हैं। आज तक कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने लॉन्ग टाइम तक रेगुलर चलाओ। इससे पहले यूके का एक प्लांट था हैशिम प्लांट, तो वो 940 दिन हुआ करता था। ठीक है, और पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को इस बहुत बड़ी कामयाबी को लेकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं। इंडिजीनियस कैपेसिटी भी काफी अच्छी है और काफी पुराना प्लांट है। ठीक है ना, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पे पेज नंबर 7 है, और 7 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो यूएस और इंडिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि है कोप इंडिया। आप सभी को मालूम होगा कोप इंडिया एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये अक्सर पेपर में आता रहता है, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में है। तो भारत ने बोला है कि थोड़ा और, भारत और यूएस ने कि हम थोड़ा सा और एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराएंगे, तो बंगाल के अंदर इसको करवाया जा रहा है। ठीक है ना, ओके, इतनी सी बात है इसके अंदर जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एसबीआई की जो चीफ थी पहले, एक्स एसबीआई चीफ थी स्विफ्ट, ठीक है, तो उनको क्या बनाया गया है, स्विफ्ट की इंडिया चेयरमैन जो कि बनाया गया है। स्विफ्ट एक्चुअली में है क्या दोस्तों, ये सोसाइटी है फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं स्विफ्ट। ठीक है, तो उसकी जो चेयरमैन है, जो इंडिया चेयरमैन है, वो अरुंधति भट्टाचार्य जी को बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्विफ्ट इंडिया क्या है, ज्वाइंट वेंचर है इंडियन पब्लिक, जो टॉप इंडियन और पब्लिक, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं आगे, और नेक्स्ट बात करें तो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर केरला के पास ही है, और ये उन्होंने पहला राज्य वो बन चुका है। अभी इनॉग्रेशन किया गया है कन्नूर एयरपोर्ट का, और यहाँ पे जैसे उन्होंने इनॉग्रेशन किया वो बन चुका है पहला कन्नौर एयरपोर्ट का करते, जिनके किसी भी राज्य के अंदर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है ना, एक तो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, कोची के अंदर है, कोझिकोड़े के अंदर है, और चौथा हो गया कन्नूर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट बन चुका है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री आपको पता ही है विजयनंद जी, और गवर्नर कौन है, सता शिवम जी है, जो कि पहले सीजीआई भी रहते थे, पहले रह चुके हैं ना। केरला के बारे में आपको मालूम है, ये मैंने आपको बता दिया, कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गया। नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इराविकुलम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पम्बादम ठीक है, पेरियार साइलेंट वैली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इदुकी डैम पेरियार नदी पे और मूला पेरियार दोनों सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में आता रहता है। वेम्बरनाथ कॉल इंपॉर्टेंट है, और अस्तामुदी लेक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल की बात करें तो ये सब तो पद्मनाथ स्वामी, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। और कोची शिपयार्ड है जिसको भी 1972 में बनाया गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सेक्स रेशियो केरला के अंदर 1000 से ऊपर है, आपको पता है।
और जो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है उसको भी 1956 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और जो थ्रिसूर है उसको कहते हैं अपन कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला। तो अगर कल्चरल कैपिटल पूछा जाए तो थ्रिसूर आपको ध्यान रखना है। तो ये केरला के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आप सबसे पहले अपने व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दो क्लासेस का, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और आपके ग्रुप हैं जो आपके व्हाट्सएप पे ऊपर हैं सेशन कर रहे हैं या जिनको नॉलेज लेनी है, न्यूज़पेपर जिनको नहीं पढ़ना आता, मतलब नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ आता इतनी अच्छी तरीके से, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सेशन को एंजॉय कर सके, है ना, अच्छी तरीके से नॉलेज ले सके, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन है उसको स्टार्ट किया गया है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे ने अनवील किया है, न्यू लुक किया है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन का। एक डिलक्स ट्रेन होगी जो कि कई जगह से होकर गुजरेगी, ओके। और जहां जहां पे बुद्धिज्म के अपने मार्क है, जहां पे काफी फेमस रहा है, जैसे कि बौद्ध गया, राजगीर, वाराणसी, लुम्बिनी, कुशीनगर, सरस्वती, ठीक है, और ताजमहल पे ये एंड हो जाएगी। तो इस सीसीटीवी कैमरा के साथ में बेटर सर्विसेज जो है वो इस ट्रेन के साथ में दी जा रही है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिकेम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर इन नवंबर। तो एलएनजी एक्सपोर्टर दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। भारत ने अपना पहला एलएनजी का कंसाइनमेंट कौन से देश से मंगाया था? यूएसए से मंगाया था, है ना, यूएसए से मुंबई में आया था, याद है ना आपको, यूएसए ने भारत को देता है एलएनजी। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो है उसने काफी इसके ऊपर काम किया और दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो है वो बन चुका है, ठीक है। उसके सेकेंड नंबर पे कतर है, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और आने वाले दिनों के अंदर एलएनजी के जो बूस्ट है वो काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब क्रूड जो पेट्रोलियम है उसका कम हो रहा है और जो गैसेज है उसको ज्यादा चल रहा है। आगे देखते हैं। शैलेंद्र कुमार को इंचार्ज दिया गया है जेएनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। तो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, शैलेंद्र कुमार को बनाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन है। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है वो भी ओपन कर दिया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, आप देख सकते हैं। और उसको कहां पे बनाया गया है? पुडुचेरी कोस्ट के ऊपर बनाया गया है, ताकि टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो 30,000 नॉटिकल माइल्स 3 डेकेड के सर्विस देने के बाद में, ठीक है, इसको कमीशन किया गया इस क्लास वेसल को, INS कुडालोर, ये क्लास वेसल है जो कि डीकमीशन करी गई थी, तो ठीक है उसी के अंदर जो है वो पूरी तरीके से इसको क्रिएट किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। टीएन गवर्नमेंट लॉन्चेस 24 आवर हेल्पलाइन फॉर वुमेन। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया है, 24 घंटे की जो हेल्पलाइन है वुमेन के लिए वो स्टार्ट कर दिया। 181 आपको मालूम है नंबर, यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पलानी स्वामी जो वहां पे सीएम है उन्होंने लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को, ठीक है। और नियर बाय 60 लाख रुपए की कॉस्ट के ऊपर इसको डेवलप किया गया है, और ताकि जितने भी प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस की, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, जो भी प्रॉब्लम वुमेन फेस कर रही है वो मदद मांग सके और उसके बाद में उनको तुरंत जो है वो मदद मिल सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और इसके अलावा उन्होंने एक अवार्ड्स हैं जो भी दिए हैं, हालांकि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की, जो कि पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, क्योंकि कल हो चुका है ट्रिपल तलाक, किसका? बीजेपी का, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक लोगों ने बीजेपी को 3 राज्यों में से दे दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसके अलावा 2 राज्यों के और आए हैं, तेलंगाना के अंदर टीआरएस है और वहां पे जो वहां की लोकल पार्टी है एमएनएफ, कहां पे? मिजोरम के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो यहां पे एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा जो फ्रंट पेज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज से ही भरा हुआ है। देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो आपके सामने देख सकते हो, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पे कांग्रेस है, तेलंगाना की बात करें तो टीआरएस पार्टी, ठीक है, और राव जी की पूरी तरीके से मेजोरिटी। मिजोरम की बात करें तो यहां पे एमएनएफ ने वापस से कमबैक किया है 10 साल बाद में, और यहां पे कांग्रेस को टाटा बाय बाय हो गया है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो 7 सिस्टर में से एकमात्र राज्य था जो कि कांग्रेस के पास में था और वो भी चला गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अब कांग्रेस का हो गया, यहां से टाटा बाय बाय। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस ने कम किया है कमबैक, और यहां से पे बीजेपी का हो चुका है टाटा बाय बाय। और बढ़िया सीटें 73 के आसपास सीटें हैं जो कि यहां पे 99 सीटें हैं जो कि कांग्रेस को मिली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है और यहां पे सी सॉ वाला गेम चल रहा है, ठीक है। अभी भी काउंटिंग यहां पे चल रही थी, अभी मेरे ख्याल से सुबह जाके अभी थोड़ी देर में जाके क्लियर होगी, तो ऑलमोस्ट 1-2 चीजें ही ऊपर नीचे थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 राज्यों में तो पक्का हो चुका है, 3रे में पक्का चल रहा है, जो कि एक तरीके से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रह चुका है। पूरा भगवा कर दिया था बीजेपी ने एक टाइम के ऊपर राजस्थान, पूरे इंडिया को,
आप देख सकते हैं, लेकिन वापस से बहुत बढ़िया कमबैक कांग्रेस ने किया है। और यहां पे आप देख सकते हैं एक दो ये तीन और चार, ये चारों के चारों जो राज्य है वो कांग्रेस के हाथ में आते हुए लग रहे हैं। ओके, और ऑलमोस्ट आ चुके हैं, मतलब एमपी के अंदर भी बढ़त है कांग्रेस के पास में, राजस्थान के अंदर तो है ही है, और इसके अलावा ठीक है पंजाब में है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर भी डायरेक्टली आ चुकी है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो आपको भगवा कलर नजर आ रहा है ये बीजेपी वाले राज्य है, ये सारी क्षेत्रीय पार्टी है, हरे वाला जो आपको नजर आ रहा है ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं एकमात्र मिजोरम हुआ करता था, ठीक है, तो मिजोरम हुआ करता था, अभी वो भी चला गया है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिजोरम ये रहा, यहाँ पे अरुणाचल हो गया, नागालैंड, ये मणिपुर है जो कि बीजेपी के पास में है ठीक है, और ये फिर मिजोरम और ये त्रिपुरा ठीक है, तो ये लोकल पार्टी यानी कि एमएनएफ जो है उसके पास में जा चुका है। ओके, तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर 2019 के अंदर क्या रहता है, किस हिसाब से चीजें बदलती है या सेम रहती है। तो अभी तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, टोटल बीजेपी के पास में अभी 12 राज्य है जो कि अभी बचे हैं, और कांग्रेस ने भी काफी अच्छा कमबैक है जो कि यहां पे किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपने, मैंने एक वीडियो बना के दिया था आपको कि किस आप बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में ना पड़ेंगे, और ये सब अपने लिए मैटर नहीं करता, बीजेपी आ रही है कांग्रेस आ रही है, अपने इलेक्शन का जो वोट है, अब लोकसभा का टाइम आ चुका है, आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा के इलेक्शन है मई के अंदर, तो आप अपना वोट बहुत समझदारी से देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ठीक है इलेक्शन वाला, तो जरूर देखिएगा और समझदारी से अपना वोट दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 7 की। यहाँ पे एक फेस्टिवल और एक काफी एनिवर्सरी है 125वीं जो कि मनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महाकवि, तमिलनाडु के एक बहुत बड़े पोएट है, महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती, बहुत ही फेमस तमिल पोएट रह चुके हैं, रिवोल्यूशनरी रह चुके हैं, आजादी के अंदर भी इन्होंने काफी काम किया है। तो उनकी 127वीं जयंती थी, ठीक है 137 बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसको सेलिब्रेट किया गया है। ओके, काफी इन्होंने काम करे हैं, जैसे कि कई सारे नाम से इनको जाना जाता है, भारती, महाकवि, वीरा कवि, ओके, जर्नलिस्ट, पोएट, नोवेलिस्ट, टीचर, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, इंडिया के इंडिपेंडेंस में इन्होंने काफी काम किया है, और नोटेबल वर्क की बात करें तो 45, सपातम, पापा पाटू, ये सब कुछ इनके काम है जो कि काफी इन्होंने अपने लाइफ के अंदर किया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है और इनके नाम किस नाम जाने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, और पेज नंबर 20 की। आज का जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ज्यादातर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अभी एक दो दिन तो यही चलेगा, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि जितना भी अपने इंपॉर्टेंट हो सके अपन इसको एक्सपेक्ट करने की। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, जो कि आरबीआई गवर्नर को लेकर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पे आरबीआई के जो दास है शशिकांत दास जी, उनको आरबीआई के जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर दिया गया है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दास जी को अपॉइंट कर दिया गया आरबीआई गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ये भी पेपर में आपके जो सवाल है वो आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 20 की बात, तो यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि एक अपना बेनु के बारे में अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, याद है बेनु, एक एस्ट्रॉइड था बेनु नाम से, ठीक है सुबह 5 बजे वाले में भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो बेनु के ऊपर क्या मिले, वाटर के ट्रेसेस मिले, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, वो पानी का H2O, यही तो होता है ठीक है, तो वो उसके ट्रेसेस मिले। और यहाँ पे अपन ने, नासा ने एक ऑपरेशन, एक जो स्पेस क्राफ्ट है वो भेजा था जिसका नाम था ऑसिरस REX, ठीक है, तो इसने डिस्कवर किया है इंग्रेडिएंट्स वाटर के और एस्ट्रॉइड के ऊपर, बेनु के ऊपर, और इसने बताया कि लाइफ के ओरिजिन जो है यहां पे देखने को मिल सकते हैं। जितना दूरी सन से अर्थ की है उतनी ही इस एस्ट्रॉइड की है, तो इसीलिए इसके ऊपर सैंपल्स देखने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिस्ट जो है फेमस सुरजीत भाला जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है EACPM से। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, EAC क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। ये एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है, तो उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि ये चाहते हैं किसी और मिनिस्ट्री के अंदर काम करना, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि एडवाइस देने को बनाई गई है इकोनॉमिक मैटर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को, और इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, जैसे कि एक तो विवेक देब्रो है चेयरमैन इसके, रतन वाटल है ठीक है, राथिन रॉय, आशिमा और शामिका रवि, ये सारे इसके मेंबर है, तो उसमें से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आगे बात करते हैं, महिंद्रा के जो CEO है अनंत नारायण, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है,
और मंत्रा काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और आपको मालूम है मंत्रा को फ्लिपकार्ट ने जो है वो अक्वायर कर रखा है ना, सीईओ थे तो जैसे ही वॉलमार्ट ने खरीदा फ्लिपकार्ट को, धीरे धीरे जो पुराने लोग हैं वो यहां से जाना उन्होंने चालू कर दिया है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ है, फाउंडर सचिन बिनी थे, 77% जो स्टेक है वो वॉलमार्ट के पास जा चुके हैं। और अभी बिनी बंसल ने भी कुछ टाइम पहले रिजाइन कर दिया था, सचिन बंसल ने तो अपने शेयर बेच दिए थे पहले और अभी बिनी बंसल ने भी कर दिया, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। एयरफोर्स ने एक कंबाइंड गाइडेड फायरिंग स्टार्ट करी है सरफेस टू एयर मिसाइल की, तो ये खुद का लोकल ऑपरेशन है और किसी और के अलावा किसी दूसरे देश के साथ में हमने नहीं किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है और यहां पे एक्सरसाइज करी गई जिसका नाम है क्रॉस बो 18। ये इंडिया की खुद की है, किसी दूसरे देश के साथ में इसमें शामिल नहीं किया गया, बस इतनी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट कर लिया है माइग्रेशन पैक्ट डिस्पाइट विथड्रॉल। तो कई सारे मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि यूएन क्या चाह रहा है, एक माइग्रेशन पैक्ट जो है ना उसको साइन करना चाह रहा है ताकि क्या हो सके, जो माइग्रेंट लोग होते हैं बेचारे उनका रहना खाना पीना वो थोड़ा आसान हो सके। रोहिंग्या मुस्लिम की हालत आपने देखी होगी और ईरान, इराक रिफ्यूजी, सीरिया रिफ्यूजी, आपको पता है बहुत बुरा हाल है। तो माइग्रेशन को लेकर एक पैक्ट साइन किया गया जिसको कई सारे देशों ने नकार दिया, इवन दो यूएन ने उसको पास कर लिया है। ये कुछ दिन पहले भी अपन ने पढ़ा था आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहां पर अडॉप्ट कर लिया गया है, 150 कंट्रीज ने मोरक्को के अंदर रिप्रेजेंट किया और यहां पे कई देशों ने विड्रॉ भी कर लिया। विड्रॉ करने वाले देश की बात करूं तो यहां पे कई सारे देश थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, हंगरी हो गया, लैटविया हो गया, पोलैंड, स्लोवेनिया, यूएस भी इसके अंदर इंक्लूड था आई गेस, ठीक है। यूएस था, पहली गवर्नमेंट यूएस थी जिसने मना किया था, ठीक है। तो ये सब ने मना करने के बाद में भी यूएनएस को पास करा लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड फॉर कंजर्वेशनिस्ट इमरान सिद्दीकी। तो इमरान सिद्दीकी है दोस्तों, इनको मिला है अभ्यारण वन्य जीव सेवा पुरस्कार। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है, हैदराबाद बेस्ड है, हैदराबाद के हैं इमरान और इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर है कंजर्वेशन साइंस एट WCS इंडिया के अंदर जो कि 10,000 फीट स्क्वायर का एरिया है, मॉनिटरिंग करते हैं टाइगर की, नागार्जुन सागर, शिरसेलम, केवल टाइगर रिजर्व की और काफी इन्होंने काम किए हैं, तो इसलिए उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथमेश मेलिंगरन ने मिस्टर सुपरनेचुरल 2018 जीता। तो सुपरनेचुरल जो है वो इन्होंने 2018 जीत लिया है, किसने, प्रथमेश ने, और ये भारत के रहने वाले हैं। ओके तो गोवा के रहने वाले हैं ये और इन्होंने पहले एशियन या फिर इंडियन बने हैं ये, फर्स्ट एशियन इंडियन जिन्होंने क्या किया है, सुपरनेचुरल टाइटल जो है यहां पे जीता है पोलैंड के अंदर, ठीक है। काफी सारे कॉन्टेस्टेंट हैं जिनको हरा के इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। प्रेसिडेंट कोविंद एक्सेप्ट उपेंद्र कुशवाहा रेजिग्नेशन। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो कि एनडीए के साथ में गठबंधन इन्होंने कर रखा था, बिहार में इनकी पार्टी है, तो इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, आरएलएसपी, इनकी पार्टी का नाम है आरएलएसपी, ओके, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तो राष्ट्रीय लोकसभा पार्टी है मतलब, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, आरएलएसपी ने क्या कर दिया, एनडीए गवर्नमेंट से, ठीक है, अपना जो गठबंधन था उसको क्या कर लिया, तोड़ दिया है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं और अभी कुछ टाइम पहले तो इन्होंने काफी तारीफ कर रहे थे एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी जी की। अब जैसे इलेक्शन आने वाले हैं थोड़े टाइम के अंदर, तो इन्होंने अलग कर लिया और ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमने जैसे चाहा था वैसे नहीं हुआ, हमें वैसे काम नहीं करने दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पद से रिजाइन कर दिया और प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। पिछले कुछ टाइम के अंदर एनडीए जो गठबंधन, एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको बीजेपी लीड करती है, उसमें से काफी सारी पार्टी है जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ओके चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब देखते हैं फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी। Most people text faster when it's someone they like. तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है यार, आपको रियलाइज भी होगा कि जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो ना, उसको आप जब टेक्स्ट करते हो तो बहुत फास्ट करते हो। तो एक रिसर्च जो कि बताई गई है कि जब आप एक होता है फोन आप यूज करते हो टेक्स्ट करते हो, तो एक तो होता है जब आप धीरे धीरे टेक्स्ट करते हो और एक होता है जब आप बहुत फास्ट टेक्स्ट करते हो, मतलब गोलियों की तरह आपके फिंगर चलते हैं। तो ये जब जब चलते हैं, जब आप किसी को आंसर देने में बहुत इंटरेस्टेड होते हो, ठीक है, इंटरेस्टेड होते हो तो यानी कि आप उसको पसंद करते हो, लाइक करते हो। ओके तो एक ही छोटा सा फैक्ट है, आप देख लो अपने हिसाब से आप किसको लाइक करते हो और किसको डिसलाइक करते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा इसमें से गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ भारत का पहला राज्य
बन गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट देखते हैं, मानव अधिकार दिवस 2018 का विषय क्या है? देखते हैं, AIIB ने आंध्र प्रदेश में जल आपूर्ति परियोजना के लिए $400 मिलियन का ऋण दिया। AIIB का मुख्यालय कहां पर है यह आपको बताना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। किस बैंक पर RBI ने साइबर सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो आपके सामने यहां पे 4 ऑप्शन है, आपको उसका भी सही आंसर देना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, हु हैज बीन सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन मेजबान श्रेणी के तहत एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स किसने जीता है? ठीक है, अगला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट एशियन इंडियन टू विन मिस्टर सुपरनेचुरल टाइटल 2018। अगला सवाल आपका, 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अगला सवाल है, पेंशन कॉर्पस को मूल्य वेतन का कितना प्रतिशत केंद्र द्वारा योगदान किया जाएगा पेंशन के अंदर? आगे देखते हैं दोस्तों, था ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि अपन ने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर जरूर किया होगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप CBT की 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप RPF की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो CBT 2 और RPF के जो आपके लिए 1500 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ में एक रेलवे RPF बूस्टर और रेलवे बूस्टर लॉन्च किया गया है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं ताकि आप लास्ट टाइम अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर कर सकें। ठीक है, काफी बच्चे जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे थे, टेस्ट सीरीज के लास्ट में चाहिए होती है प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी गलतियां पता करने के लिए, तो ये एडवांस टेस्ट सीरीज है जो कि मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, वापस से मिलेंगे 5-10 मिनट के अंदर अपनी वोकैबुलरी क्लास के अंदर। थैंक यू।